दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत ही आसान सवाल पूछेंगे जो इसी वीडियो से जुड़ा रहेगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही जवाब देने वाले पहले 15 व्यक्तियों के नाम हम अगली वीडियो की शुरुआत में बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं लाखों वर्षों पहले पृथ्वी पर विशालकाय जीव रहते थे, जैसे कि डायनासोर। समंदर के अंदर भी कई विशालकाय जलचर पाए जाते थे, लेकिन क्या आज भी उतने विशालकाय जीव मौजूद है? वर्तमान समय में भी समंदर के अंदर कई विशालकाय मछलियों को देखा गया है और आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी मछलियाँ। 10वें नंबर पर है रीफ मंत्रा रे। इस मछली को मंत्रा अल्फ्रेडी भी कहा जाता है। ये रे फिश की प्रजाति में दूसरी सबसे बड़े आकार वाली रे फिश है। ये ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, जैसे कि पूर्वी पैसिफिक समंदर और पश्चिम अटलांटिक महासागर। इस रे फिश का वजन 1.5 टन के आसपास होता है और इसकी लंबाई 5.5 मीटर जितनी हो सकती है। 9वें नंबर पर है बेलुगा स्टर्जन। इस मछली की प्रजाति अभी खतरे में है, आने वाले कुछ वर्षों में इसका अस्तित्व मिट सकता है। ये मछली ब्लैक सी, कैस्पियन सी और एड्रियाटिक सी में पाई जाती है। इस मछली का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वजह से खतरे में आया है। बहुत ही ज्यादा मात्रा में फिशिंग करने के कारण अब इनकी संख्या कम हो गई है। इस मछली की लंबाई 30.6 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 1500 किलो से ज्यादा तक बढ़ सकता है। 8वें नंबर पर है हुड विंकर सनफिश। इस मछली की प्रजाति की खोज हाल ही में हुई है और इसे खोज पाना लगभग नामुमकिन है। 2 से 3 मीटर लंबाई वाली इस मछली का वजन 2 टन जितना हो सकता है। 2014 में यह मछली न्यूजीलैंड के किनारे पर बहकर आई थी और तभी इसको पहली बार देखा गया था। 7वें नंबर पर है शार्प टेल मोला। ट्रॉपिकल और टेम्परेट समुद्री जल में रहने वाली मोला की ये प्रजाति बहुत ही विचित्र है और इस मछली की प्रजाति बहुत ही रेयर मानी जाती है। इस मछली की लंबाई 11 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 2 टन तक हो सकता है। ये मछली 100 साल तक जीवित रह सकती है। 6वें नंबर पर है ओशियन सनफिश। इसे मोला मोला भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग बोनी फिश है। इसकी लंबाई 14 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 2300 किलो तक बढ़ सकता है। ये मछली एक दिन में 30 से 40 किलोमीटर तक का समुद्री सफर कर सकती है। ओशियन सनफिश ज्यादातर जेलीफिश को अपना शिकार बनाती है। 5वें नंबर पर है जायंट ओशनिक मंत्रा रे। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मछली की प्रजाति है और दुनिया की सबसे बड़ी रे फिश की प्रजाति है। जायंट रे की लंबाई 23 फीट तक बढ़ सकती है और इनका वजन 3 टन के बराबर हो सकता है। इन्हें अकेले ही घूमना पसंद है और ये प्लैंकटन को खाना पसंद करती है। समंदर के अंदर इनके दुश्मन बहुत कम है, लेकिन इनको सबसे ज्यादा खतरा है इंसानों से। इंसान इनका खूब शिकार करते हैं, जिसकी वजह से अब इनकी संख्या कम हो रही है। 4वें नंबर पर है टाइगर शार्क। टाइगर शार्क दुनिया की आकार में 4थी सबसे बड़ी मछली की प्रजाति है। इसकी लंबाई 16 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 3 टन से भी ज्यादा हो सकता है। टाइगर शार्क की पीठ पर बाघ की तरह स्ट्राइप्स होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें टाइगर शार्क कहा जाता है। इसकी भी प्रजाति मनुष्य के कारण अब खत्म होने की कगार पर है। 3रे नंबर पर है ग्रेट व्हाइट शार्क। शार्क की ये प्रजाति समंदर के तटीय भाग में पाई जाती है। जितने भी शार्क के मनुष्य पर हमले की खबरें आती हैं, उनमें से ज्यादातर खबरें इन्हीं शार्क से जुड़ी होती हैं। लेकिन जितना खतरा इनका मनुष्यों को है, उससे 1000 गुना ज्यादा खतरा इनको मनुष्यों से है। मनुष्य के कारण इनकी प्रजाति भी अभी नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसी बहुत ही कम शार्क बची है। शायद यही वजह है कि मनुष्यों को देखकर ये हमला कर देती है। इनकी लंबाई 20 फीट तक बढ़ सकती है और इनका वजन 3.3 टन तक हो सकता है। 2रे नंबर पर है बस्किंग शार्क। इनकी लंबाई 26 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 19 टन तक हो सकता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली की प्रजाति है। बस्किंग शार्क समुद्र की सतह में तैरना पसंद करती है। ये सूरज की गर्मी का आनंद लेना पसंद करती है, लेकिन इंसानों ने इनकी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया है। इनके लीवर का तेल पाने के लिए मनुष्य इनका शिकार करते हैं। अब ऐसी बहुत ही कम मछलियां बची हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इनका शिकार करना नहीं छोड़ रहा है। 1ले नंबर पर है व्हेल शार्क। ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली की प्रजाति है। इसकी लंबाई 40 फीट से ज्यादा हो सकती है और इसका वजन 20 टन से भी ज्यादा हो सकता है। ये वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में रहना पसंद करती है। ये मछली 70 साल तक जीवित रह सकती है। इसकी प्रजाति भी अभी खत्म होने वाली है। लो मल्टीप्लिकेशन रेट होने के कारण ये ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाती। ब्लू व्हेल। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ब्लू व्हेल ही दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, लेकिन असलियत में ये मछली है ही नहीं, ये एक मैमल है। इसे मछली नहीं कहा जाता, इसे स्तनपाई जीव कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपाई जीव है। इसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा हो सकती है
और इनका वजन 200 टन से भी ज्यादा हो सकता है। इनके बच्चे पैदा होते ही 2 टन के होते हैं, लेकिन याद रहे ये मछली नहीं है, ये एक इंसानों की तरह बच्चा पैदा करने वाला गर्म खून का स्तनपाई जीव है जो समुन्द्र में रहता है। तो दोस्तों ये थी वो 10 दुनिया की सबसे बड़ी मछलियाँ। तो आइए जानते हैं आज का आपका सवाल, ओशियनिक सनफिश की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट्स में देना है। सही जवाब देने वाले 10 व्यक्तियों के नाम हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।